I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित यह हमारा 8वां भाग है। इसमें हम आज 20 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके सीटेट, सुपरटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन पहला है 20, सेकंड है 15, तीसरा है 32, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 25। तो बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। आत्मसिद्धि के भाव, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, जीवन के बारे में परितृप्ति, अपराध बोध। यानी जो आपका किशोर है वह किस चीज़ को अनुभव कर सकता है? तो वह दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं, सभी विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है यह आपको बताना है। ऑप्शन ब इसका सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में? तो एक बालक जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष की होती है वह हिंदी के अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसके अनुसार आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? एक जो गर्भ में बालक होता है लगभग उसको 270 से 290 दिन के बीच में दिन लगते हैं। अब इसमें न तो 270 है न ही 290, तो उसके एक्यूरेट हिसाब से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा, 280 दिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कहाँ पर किया जा सकता है? बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको किस जगह पर सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में। तो विद्यालय एवं कक्षा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी? तो बच्चे की जो खेलने की, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व परिवर्तन समझने लगते हैं?
ऑप्शन ए द्रव्यमान में, ऑप्शन बी संख्या में, ऑप्शन सी क्षेत्र में, ऑप्शन डी आपका ये सभी। तो उत्तर वाले अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के इन तीनों तत्वों के परिवर्तन के बारे में समझने लगते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ये सभी, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र, अर्थात इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये सभी। शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से, जो शैशवावस्था होती है उसमें सामान्यतः एक बालक का भार बालिका से, ऑप्शन है आपका, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी जब बच्चे की शैशवावस्था चल रही होती है उस समय बालक और बालिका यानी एक लड़का और एक लड़की के भार में तुलनात्मक क्या अंतर होता है, तो बालक का भार कम होता है बालिका की तुलना में, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का भार इस अवस्था में बालिका से अधिक होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है स्थायित्व, जिज्ञासा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण, ऑप्शन आपके तीनों ही सही हैं, उसमें स्थायित्व भी आता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है और बहिर्मुखी प्रवृत्ति भी होती है। बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाली अवस्था होती है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक को क्लिक कर आप हमसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। तो आपकी किशोरावस्था जो होती है उसे संचय अवस्था कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं आत्मप्रेम, विषमलिंगीय कामुकता, कल्पना की बहुलता, उपर्युक्त सभी। तो किशोरों की जो तीनों ही विशेषताएं सही हैं इसमें, आत्मप्रेम, विषमलिंगीय कामुकता, कल्पना की बहुलता, तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा, उपर्युक्त सभी। बुद्धि का मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, क्वेश्चन नंबर 103 आपका, बुद्धि मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया, टुकमैन ने, साइमन ने, बेनी तथा साइमन ने, हरलोक ने। तो आपकी बुद्धि का जो संप्रत्यय का जो प्रतिपादन किया था कॉन्सेप्ट का, वह आपकी बेनी तथा साइमन ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कुटेंट का सूत्र है IQ=MA/CA/100, IQ=CA/MA/100, IQ=AC/MA/100, IQ=CA/IA=100। तो आपके बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वह होता है MA/CA/100, अर्थात मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ऑप्शन ए इसका सही होगा। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं गामक क्रियाएं,
संवेगात्मक क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं। तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही है, जो शारीरिक गति, अंगों की गति होती है एवं शक्ति समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं जो कहलाती हैं वो आपकी गामक क्रियाएं कहलाती हैं। गामक क्रियाओं को क्रियात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, अधिगम, गर्भावस्था की दशाएं, उपर्युक्त सभी। तो जो गामक विकास को प्रभावित करने के तत्व हैं या कारक हैं वो वंशानुक्रम, अधिगम, गर्भावस्था की दशाएं तीनों ही हैं। अतः इसका आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, यानी वो कौन सी आयु होती है जिस समय लड़कियों में तेजी से विकास होता है। ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 13 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 14 वर्ष। तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि जो लड़कियों का विकास होता है वह तेजी से 12 से 14 वर्ष के बीच में अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 12 से 14 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश आने की स्थिति है। ड्राइवर का, पीटी यंग का, वुडवर्थ का, हरलॉक का। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है, तो यह आपका कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वुडवर्थ। निम्न में से संवेग की मूल प्रवृत्ति है। निवृत्ति, युयोत्सा, आत्मगौरव। आपकी निवृत्ति, युयोत्सा और आत्मगौरव तीनों ही मूल प्रवृत्ति हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ये सभी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं, 10, 15, 14 या 8। मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां अथवा संवेग बताए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।